मॉर्निंग लॉयर। पैसे और दोस्ती के लिए जो करना पड़े सब कम है, यह कहना था दिल्ली के टॉप गैंगस्टर और नामी इनामी गिरामी बदमाशों में से एक नीरज बवाना का। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके वह इन सभी राज्यों में अपना दबदबा बना चुके दो गैंगस्टर्स, जो कि पहले साथ में रहे, साथ में अपराध की जगत में उतरे, मगर विवाद हुआ तो दोनों बन गए थे एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन। तो आज हम बात करने वाले हैं बवाना के रहने वाले नीरज शेरावत यानी नीरज बवाना और नीतू दाबोदिया यानी सुरेंद्र मलिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, ये दोनों एक साथ रहा करते थे, हरदम इन्होंने एक के बाद एक कई वारदातों को एक साथ अंजाम भी दिया, मगर बाद में सोनू पंडित के कारण दोनों अलग हुए थे। तो कौन था सोनू पंडित, आखिर कैसे इन दोनों को अलग करने में उसकी भूमिका रही, चलिए बात करते हैं वीडियो के अंदर। अपराध की दुनिया में दोनों एक साथ उतरे थे, मगर दोनों का विवाद हुआ तो दोनों एक दूसरे के बन गए थे जानी दुश्मन। बवाना का रहने वाला नीरज वर्ष 2004 से 5 के अंदर अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ। उस समय नीतू दाबोदिया गैंग अपराध की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। दोनों ने साथ मिलकर कई वर्षों तक हत्या, लूट, डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम एक साथ दिया। उस समय राजधानी में दर्जन भर गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। कहीं वर्चस्व को लेकर दो गैंग आपस में भिड़ रहे थे तो कहीं जमीन या प्रॉपर्टी के विवाद में रंजिश ने जन्म लिया। इन गैंगों के बीच चल रही रंजिश में 100 से ज्यादा कत्ल हो चुके थे। यह बदमाश हमेशा ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे और बीच सड़क खून बहाने से नहीं कतराते। ऐसे सभी प्रमुख गैंगों के बारे में हम यानी हमारा फिल्मी जगत एचआर आपको बताने जा रहा है, आखिर क्यों उनके बीच रंजिश शुरू हुई और इसकी वजह से अब क्या हालात हो चुकी है वहां के। नीतू दाबोदिया और नीरज बवाना दोनों का गैंग जेल से ही ऑपरेट करते थे। बाहरी दिल्ली में आज के समय में सबसे बड़ा बदमाश नीरज बवाना है। तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद अपने गुर्गों के माध्यम से नीरज लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहता है। यह नाम बनाने के लिए उसने पहले अपने साथी और बाद में विरोधी रहे सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया के गैंग के सभी प्रमुख बदमाशों को मार डाला। नीतू दाबोदिया जब स्पेशल सेल की मुठभेड़ में मारा गया था, तब उसके साथ उसके दो और साथी भी थे जिनका नाम है आलोक गुप्ता और सुनील गुप्ता। मुखबिरी के आधार पर वसंत कुंज इलाके में नीतू दाबोदिया का एनकाउंटर हुआ था। तो उसी समय से नीरज बवाना और मजबूत होता चला गया एनकाउंटर के बाद से। दोनों तरफ से अब एक दर्जन से ज्यादा ही हत्या हो चुकी हैं। आए दिन दोनों गैंगों के बीच गैंगवार होता रहता है। 2004 से शुरू किया था नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में नाम कमाना। बवाना का रहने वाला नीरज वर्ष 2004 से 5 में अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ। उस समय नीतू दाबोदिया का दिल्ली में अंदर काफी नाम था। दोनों ने साथ मिलकर कई वर्षों तक लूट, हत्या, डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। दोनों ने एक साथ रहने की वजह से जहां लगातार अपने गैंग को बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में उनके गैंग का नाम भी काफी सुर्खियां बटोर रहा था। मगर वर्ष 2011 में सोनू पंडित की हत्या बन गई थी दोनों के बीच ट्रिगर पॉइंट। तो दोस्तों चलो बताते हैं आपको कि सोनू पंडित कैसे बना था बीच में दोनों के ट्रिगर पॉइंट। वर्ष 2011 में उनके गैंग में टटेसर निवासी अजय और सोनू पंडित की एंट्री हुई। वह नीरज के काफी करीबी था, इसकी वजह से नीरज और नीतू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। नीतू को लगता कि सोनू उसके खिलाफ नीरज को भड़काता है। वह गैंग की सारी खबरें भी नीरज तक पहुंचाता है। उसे यह लगने लगा कि नीरज सोनू पंडित के साथ मिलकर उसकी हत्या कर सकता है, इसलिए उसने वर्ष 2012 में सोनू पंडित को अगवा कर उससे बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को करनाल के जंगल में ले जाकर जला दिया था। इस घटना ने नीरज और नीतू के बीच काफी दूरियां पैदा कर दी और हालात ऐसे बन गए थे कि दोनों के बीच आए दिन गैंगवार भी चलता रहता था। दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग गैंगें बना ली थी, जो कि नीरज बवाना ने अपनी अलग गैंग बनाई नीरज बवाना के नाम से और नीतू दाबोदिया यानी सुरेंद्र मलिक ने अपनी नीतू दाबोदिया गैंग से गैंग बना ली थी। फिर तो यूं ही चलता रहा दोनों गैंग के बीच हत्याओं का सिलसिला। नीतू दाबोदिया के साथी राजेश सुफ राजू ने नीरज का हाथ थाम लिया था इस गैंगवार के बाद। इससे नीरज नाराज नीतू ने उसकी हत्या कर दी थी। इस समय तक नीरज पर नीतू काफी भारी पड़ रहा था, क्योंकि नीतू दाबोदिया के पास नीरज से ज्यादा आधुनिक हथियार और आदमी भी नीरज से ज्यादा थे। लेकिन 24 अक्टूबर 2013 को पुलिस को मुखबिरी पर सूचना मिली कि नीतू दाबोदिया हरियाणा से अपने किसी दोस्त से मिलने दिल्ली आ रहा है।
तो पुलिस ने घेराबंदी कर नीतु डाबोडिया को घेर लिया था और मुठभेड़ में नीतु डाबोडिया व उसके दो साथी आलोक गुप्ता व सुनील गुप्ता भी मारे गए। यहीं से नीरज पवाना विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। और आपको बता दें कि एक बार अक्टूबर 2013 से पहले फरवरी 2013 में भी नीतु डाबोडिया ने पुलिस अफसर जो कि हेड कॉन्स्टेबल था राम निवास गुप्ता उसका भी कत्ल कर दिया था क्योंकि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो वर्ष 2014 में उसने सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी थी। इसके बाद रानी बाग इलाके में नीरज के गुर्गों ने नीतू के साथी प्रदीप दहिया और अनिल की गोलियां मारकर हत्या कर दी। नीतू के साथी आशु हलालपुरी को भी नीरज ने मार दिया। उधर नीतू के साथियों ने नीरज के गुर्गे मोनू वाजिदपुर को भी मार डाला। फिलहाल नीतु दाबोदिया गैंग को संभाल रहा है राजेश बवानिया। अभी फिलहाल राजेश बवानिया भी बन चुका है नीरज बवाना का सबसे बड़ा दुश्मन। नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ बोला ने संभाली। वर्ष 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में नीरज ने प्रदीप बोला की पेशी के दौरान हत्या प्लान बनाया। अदालत परिसर में 10 बदमाश हत्या के लिए दाखिल भी हुए लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद अगस्त 2015 में पुलिस ने नीरज बवाना को कोर्ट से पेशी के दौरान जेल वैन में लेकर जा रही थी मगर उसी वैन के अंदर नीतु दाबोदिया गैंग के दो सदस्य यानी कि जो मुख्य सदस्य थे जो गैंग को ऑपरेट कर रहे थे नीतु दाबोदिया के वो दोनों आदमी मौजूद थे जिनके नाम है प्रदीप उर्फ भोला और पारस। तो 25 अगस्त 2015 में पुलिस वैन से जब नीरज को कोर्ट में ले जाया जा रहा था इसी जेल वैन में पारस और प्रदीप भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथियों की मदद से जेल वैन में ही दोनों को मार डाला। उस समय नीरज बवाना गैंग से नीरज के साथ थे राहुल काला और नवीन बाली और दो चार अन्य। वर्ष 2017 में उसने रोहिणी जेल के बाहर राजेश दुर्मुट को भी मरवा दिया। अब नीतू के गैंग की कमान जेल में बंद राजेश बवानिया ही संभाल रहा है। नीरज अब केवल उसकी अपनी जान के लिए खतरा मानता है और उसे मारने का मौका तलाशता रहता है और आए दिन लगातार दोनों गैंग के बीच ऐसे ही वर्षों को लेकर तो कभी किसी चीज को लेकर गैंग वार चलते रहते हैं जिससे दिल्ली हरियाणा समेत कई राज्यों की पुलिस के लिए ये गैंग दोनों सिरदर्द बन चुके हैं। और फिलहाल नीरज बवाना तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और इसके गैंग के कई लोग भी अंदर बंद हैं और कई लोग बाहर आ चुके हैं। हाल फिलहाल में भी नीरज बवाना का जो बड़ा भाई है पंकज बवाना वह जेल से पैरोल पर बाहर आया है। तो भाइयों अगर बात करें नीतू डाबोडिया और नीरज बवाना ग्रुप की तो नीतू डाबोडिया के इनकाउंटर के बाद से ही नीतू डाबोडिया ग्रुप को भाई राजेश बवाना संभाल रहा है जो कि जेल के अंदर बंद है वो जेल के अंदर से ही ग्रुप को संभाल रहा है। और अगर नीरज बवाना ग्रुप की बात करें तो खुद नीरज बवाना यानी नीरज शरावत भाई ग्रुप को संभाल रहा है जेल के अंदर से ही ग्रुप को ऑपरेट करता है। और इस गैंग के अंदर मुख्य लोग हैं नवीन बाली और राहुल काला जो कि दोनों सगे भाई हैं मूल रूप से सुल्तानपुर डबास के रहने वाले हैं। और इनके अलावा नीरज बवाना का बड़ा भाई पंकज बवाना और शक्ति दादा अमन एडी ये भाई जो हैं फिलहाल जेल से बाहर हैं। पंकज बवाना हाल फिलहाल में जेल से बाहर आया पैरोल पर और फिलहाल बाहर ये लोग रह के काम संभाल रहे हैं और नीरज बवाना जेल के अंदर से बैंक को ऑपरेट कर रहे हैं। तो भाइयों कमेंट में अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर डालियो ग्रुप में जुड़ने के लिए। अरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटे का बटन दाब लो और वीडियो ने हर ग्रुप में शेयर जरूर कर दो जिससे आपने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सब तक पहले। और दोस्तों आपने भी देख लिया कि किस तरीके से दो जो मजबूत भाईचारा होता है वो किस तरीके से एक तीसरे आदमी की एंट्री से बिगड़ जाता है। अपराध की दुनिया में दोनों नीरज बवाना और नीतु दाबोदिया साथ उतरे थे मगर तीसरे आदमी की एंट्री तय दोनों ही दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। तो दोस्तों मैं तो अपने यही कहूँगा कि भाईचारा बना के रखो और भाई दूसरे के बहकावे से बचें अपना भाईचारा ने मजबूत करके रखो और दूसरे के बहकावे तय बच कर रहना चाहिए।